अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन देहरादून शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जब भी कोई VIP जिले में आता है तब यहाँ की नाले और गड्ढों को कवर कर दिया जाता है और VIP के जाने के बाद शहर फिर से वीरान हो जाता है और यही इस बार भी हुआ। देश की महामहिम के आने पर देहरादून के प्रमुख नालियों को हरे रंग के कपड़े से कवर कर दिया गया, जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार निरंतर देहरादून को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाने की बात कर रही है। वहीं नगर निगम ने बुरा हाल कर रखा है। 2 दिवसीय दौरे पर देश की महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में है। देहरादून की जितनी भी हैं और नालियाँ हैं सब हरे रंग से कपड़े से ढक दिए गए हैं। इस मामले में देहरादून के मेयर उनियाल गामा ने कहा कि जब भी कोई VIP आता है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से यह किया जाता है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौने ने बताया कि विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, नहीं तो गड्ढों को और नालियों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबको पता है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर चल क्या रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने नरक सहने के लिए मजबूर कर दिया है देहरादून वासियों को, और उस पर जब अभी राष्ट्रपति जी का यहाँ दौरा हुआ है और ऐसे में जो हरे कपड़े से गंदगी को, नालों को, खालों को ढांकने की कोशिश सरकार ने की है, इसमें भी बहुत मशक्कत लगी होगी। काश इतनी ही मेहनत शहर को सजाने में, सवारने में लगा दी होती तो बात ही कुछ और होती। हर VIP का जब दौरा यहाँ होता है, आप कब तक गंदगी छुपाते रहोगे? गंदगी दिमाग में भरी है, क्योंकि आपने यहाँ की जनता का भला नहीं करना है, यहाँ के शहरों का विकास नहीं करना है। गांव गोद लेने की बात करते हैं, वो आपके MP कोई कायाकल्प नहीं करते किसी गाँव का। आप स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, 100 स्मार्ट सिटी की बात आपने 2014-15 में की थी और आज तक एक भी स्मार्ट सिटी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। ऐसे में राष्ट्रपति जी भी समझदार महिला हैं, उनके भी समझ में आ रहा है कि पूरा शहर हरे कपड़े से आखिर पटा क्यों पड़ा है। जब भी कभी कोई VIP आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इस तरीके के काम किए जाते हैं, और देश की राष्ट्रपति महोदय आए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काम किया जाता है। सर्वेक्षण आता है परिणाम, हम 384 से जो है 69 पे पहुंचे हैं, तो हमने देहरादून की सफाई पे फोकस किया है और हम ये नहीं कहते कि हमने 100% जो है सफाई करी है, जो कमी है उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। अगर आप लोगों ने सफाई करी है तो नाले छुपाने की क्या जरूरत पड़ी है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो लगाई जाती है, और गंदगी जो है हमेशा निरंतर ये जो है रोज की प्रक्रिया है, इसको रोज सफाई हम करते हैं, कहीं कोई कमी रह जाएगी तो